नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने सरकारी नौकरी अलर्ट चैनल पर। उत्तर प्रदेश मंडी परिषद सचिव ग्रेड टू भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है दोस्तों, जिसकी योग्यता स्नातक पास और जो टोटल आपके पोस्ट हैं वह 134 हैं। तो ऐसे ही 100% जेन्यून अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस एग्जाम से संबंधित सभी जानकारी देखेंगे हम यहाँ पर, जिसमें सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और बाकी की सभी जानकारियाँ इंक्लूड होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और चलिए देखते हैं आगे वीडियो में। यूपी ट्रिपल एससी सेक्रेटरी एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं 6-exam/2024। इसके इम्पॉर्टेंट डेट्स यहां पर आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट है 24 अप्रैल 2024 से 24 मई 2024 तक, और फी पेमेंट की लास्ट डेट आपकी 24 मई 2024 होगी। करेक्शन की लास्ट डेट 31 मई 2024 होगी। दोस्तों, आपका एग्ज़ाम डेट या एडमिट कार्ड जैसे अवेलेबल होगा, हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको जरूर नोटिफाई करेंगे। अतः चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सभी कैटेगरी के व्यक्ति जो भी अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म को, सभी के लिए 25 रुपये फीस देय होगी। 25 रुपये से ज़्यादा देय नहीं होगी। पेमेंट आप ऑनलाइन कर पाएंगे और ई चालान के माध्यम से ऑफलाइन भी पेमेंट कर पाएंगे। इसके अलावा एज लिमिट यहाँ देख सकते हैं 1 जुलाई 2024 तक आपकी मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज 40 साल हो सकती है। जो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा यूपी ट्रिपल एससी यूपी सेक्रेटरी के ऑफिशियल गवर्नमेंट के अनुसार मिलेगा। यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी देख सकते हैं दोस्तों। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 का स्कोर कार्ड होना चाहिए आपके पास। बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स या एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में होना चाहिए। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। सचिव ग्रेड 3 ग्रेड 2 मुख्य परीक्षा जो है आपकी 2024 में कंडक्ट की जानी है। टोटल आपकी जो फीस जमा करने की लास्ट डेट होगी वह 24/5/2024 होगी, जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है दोस्तों। यहाँ पर अभी आप इससे संबंधित जो सभी डेट है यहाँ पर आप देख पाएंगे। इससे आगे की डिटेल यहाँ पर देखते हैं। सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2 मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके पेट 2023 के स्कोर कार्ड के आधार पर की जाएगी। यानी कि अगर आपने पेट 2023 में नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या नकारात्मक यानी निगेटिव अंक प्राप्त किए हैं तो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग मुख्य परीक्षा देने के लिए नहीं की जाएगी। यानी कि आपको 0 से अधिक नंबर आपको पेट 2023 में पाने चाहिए, उससे कम नहीं हो सकता है दोस्तों, ठीक है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रकाशित अनिवार्य अर्हता, यानी कि अनिवार्य अर्हता संबंधित जो भी आपकी ग्रेजुएशन संबंधित सर्टिफिकेट और रिजल्ट हैं वह यह पेपर का जो फॉर्म है वह भरे जाने के लास्ट डेट से पहले आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास वह नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। यानी कि जो कैंडिडेट्स अपियरिंग में हैं ग्रेजुएशन में वह यह फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, आगे की जानकारी देखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर दोस्तों आप फीस देख सकते हैं। इस फॉर्म से संबंधित जो फी की जानकारी है यहाँ पर आपको मिल जाएगी। वैसे फी से संबंधित सभी जानकारी हम आगे भी कवर कर चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इम्पॉर्टेंट जानकारी है आपके लिए। आप जब यह फॉर्म भर रहे हैं तो एप्लीकेशन डैशबोर्ड पर जा करके अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से लॉगिन करके अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट जरूर निकाल लें, क्योंकि वो आगे आपके काम आएगा। और इसके साथ ही साथ अपना जो पेमेंट का वेरिफिकेशन है यानी कि जो पेमेंट का प्रिंट है वो भी ज़रूर निकाल लें दोस्तों। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बाद में जाएंगे तो आपको ये दोनों चीज़ें वहाँ पर प्रस्तुत करनी होंगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अगर आप फॉर्म में कोई गलती कर देते हैं तो आपके फॉर्म में जो गलती हैं उनमें से ये जो जानकारी है यही सही हो पाएंगी, जिनमें नाम में वर्तनी की गलती या पिता पति के नाम में वर्तनी की गलती, पत्राचार का पता, अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे EWS एवं क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी या फिर जाति की श्रेणी या फिर लिंग, जेंडर या फिर आवेदन में अनिवार्य अधिमानी अर्हता संबंधी दर्ज किया गया विवरण, ये सभी जानकारी आप ठीक कर पाएंगे। इनके अलावा कोई जानकारी अगर आपने गलत कर रखी है तो आप नहीं ठीक कर पाएंगे। अतः जो फॉर्म है आप एक ही बार में करेक्ट भरने की कोशिश करें कि गलती मिनिमम से मिनिमम हो उसमें। इसके अलावा यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स यहाँ पर आ गया आपका। आप यहाँ पर स्क्रीन को पॉज करें, वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। आपको बता देते हैं आपका जो विभाग का नाम है, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश आपका विभाग का नाम है। सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2 की यह भर्ती है। आपका जो सैलरी है लेवल 6 वेतनमान मिलेगा आपका, न्यूनतम 9300 से 34800 आपके जो वेतन पे बैंड है वो आपका होगा।
अनारक्षित की 54 वैकेंसी है, अनुसूचित जाति की 28 वैकेंसी है, अनुसूचित जनजाति की 2 वैकेंसी है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 37 वैकेंसी है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 13 वैकेंसी है, कुल पद 134 है और यह स्थायी वैकेंसी है दोस्तों, यानी कि परमानेंट वैकेंसी है, कोई भी किसी भी प्रकार की टेम्प्रोरी वैकेंसी नहीं है। अभी यहाँ पर आप क्षैतिज आरक्षण देख सकते हैं, यानी कि आपके जो क्षैतिज आरक्षण होता है जिसमें विकलांग श्रेणी या फिर उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु 2 वैकेंसी है, महिला के लिए 26 है, सैन्य भूतपूर्व सैनिक के लिए 06 वैकेंसी है और विकलांग श्रेणी में यहाँ वीडियो पॉज करके आप अपने कैटेगरी से संबंधित जो वैकेंसी की डिटेल है देख पाएंगे। अच्छा, आरक्षण संबंधी प्रावधान के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, वैसे तो कुछ खास जानकारी नहीं है, सभी के सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए एक ही प्रकार की जानकारी होती है, फिर भी अगर आप देखना चाहें तो यहाँ वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने वीडियो को रोक दिया है। यहाँ पर आप स्वतंत्रता संग्राम संबंधित आश्रितों के लिए अगर जानकारी चाहते हैं आरक्षण से संबंधित, यहाँ मिल जाएगी आपको। इसके अलावा यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी डिटेल है, जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि, कृषि विपणन, विज्ञान वाणिज्य, अर्थशास्त्र या कृषि अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि अगर आपके पास है तो फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल होंगे। इसके अलावा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि अर्थशास्त्र, कृषि विपणन में स्नातकोत्तर की उपाधि अथवा AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से MBA एग्री बिजनेस मैनेजमेंट अथवा समकक्ष उपाधि अगर आपके पास है तो आपको जॉब में वरीयता दी जाएगी, यानी कि प्रेफरेंस मिलेगी आपको, वह जॉब में वरीयता मिलेगी दोस्तों। आयु सीमा देख सकते हैं 21 से 40 साल आपकी एज लिमिट हो सकती है और आपकी जो आयु सीमा है वह गवर्नमेंट द्वारा जो भी आगे नोटिफिकेशन प्रकाशित की जाएगी उसमें आपको बता दी जाएगी। वैसे आपको बताना चाहूँगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिशियल एज लिमिट रिलैक्सेशन है वह इस प्रकार है कि आपकी जो जनरल को तो कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलता, इसके अलावा OBC हैं आप तो आपको 3 साल और SC ST को 5 साल, PWD कैंडिडेट को 10 साल का मिलता है। जो आपका चयन होगा दोस्तों वह लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। इसके अलावा यहाँ पर आप पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी देख सकते हैं, अभी आपका पाठ्यक्रम जो है वह प्रकाशित नहीं किया गया है, जब आपका पाठ्यक्रम प्रकाशित होगा तो उससे संबंधित शॉर्ट वीडियो में आपको यहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगी। इसके अलावा पाठ्यक्रम की जानकारी हम अभी आपको आगे बताएंगे आगे की स्लाइड्स में। अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं है उन्हें आरक्षण नहीं मिलेगा, ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के माने जाएंगे, यानी कि अगर आप अदर स्टेट के हैं तो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर जो सचिव पद है उसके लिए सिलेबस में देख रहा था वो तो नहीं मिला, लेकिन टेस्ट बुक पे UP SSC मंडी परिषद इंस्पेक्टर सिलेबस 2021 समय मिल चुका है, तो आपका जो सचिव का सिलेबस है वो इससे ज़्यादा हटके नहीं होगा, लगभग सेम ही होगा। तो अभी आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं हम जनरल हिंदी का सिलेबस, आप यहाँ पर देख पाएंगे अलंकार, रस, समास, यह सारे के सारे हैं जनरल हिंदी में। जनरल नॉलेज में UPG के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, मोनूमेंट्स, जनरल साइंस है। जनरल साइंस एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स में आप देख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, मीन, मीडियन, मॉड, पॉलिनोमियल, ये सारी की जानकारियाँ हैं, वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हैं। इसके साथ यहाँ रीजनिंग की जानकारी आप देख सकते हैं, रीजनिंग संबंधित सब्जेक्ट में जो यहाँ पर आपका सिलेबस है वो यहाँ मिल जाएगा। इसका एग्ज़ाम पैटर्न देख सकते हैं, जो इंस्पेक्टर वाला एग्ज़ाम हुआ था इसका एग्ज़ाम पैटर्न इस प्रकार था कि जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन थे 100 मार्क के, जनरल साइंस अर्थमेटिक के 50 क्वेश्चन थे 100 मार्क के, जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट के 50 क्वेश्चन थे 100 मार्क के और जनरल हिंदी के 50 क्वेश्चन थे 100 मार्क के, टोटल 400 मार्क का था और 200 क्वेश्चन थे उसमें। लेकिन दोस्तों आपका सचिव का पद जो वैकेंसी है वो इतना हार्ड नहीं है जितना इंस्पेक्टर का है, तो आपका जैसे इंस्पेक्टर के 400 मार्क का है तो सचिव का ज़्यादा से ज़्यादा 100 मार्क का या 150 मार्क का आपका पेपर हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो आपका सिलेबस लगभग सेम रहेगा, बट आपका जो ये एग्ज़ाम का पैटर्न है वो आपका ऐसा नहीं हो सकता है, आपका एग्ज़ाम जो है वो हल्का लेवल का आएगा, ठीक है दोस्तों, और इतने मार्क्स का भी नहीं होगा। तो आप आशा करता हूँ कि अभी आपकी जानकारी क्लियर हो गई होगी, इस भर्ती से संबंधित सभी जानकारी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। अभी आप ऐसे ही 100% जेन्युइन अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।